हिंदी विषय के टॉप 20 प्रश्न इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो व्यापम के द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र से संबद्ध पत्रिका कौन सी है। मित्रों, आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। जिन प्रश्नों को मैं नोट करने के लिए कहूँ उनको नोट कीजिएगा और परीक्षा के समय इनका रिवीजन आपको करके जाना है। ओके, सबसे पहला प्रश्न कि मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र से संबद्ध पत्रिका है शैक्षिक पलास। कौन सी भाई? शैक्षिक पलास। प्रश्न है कि खिचड़ी शब्द किस तरह का शब्द है। तो हमेशा याद रखें कि खिचड़ी शब्द एक देशज शब्द है और ये केवल इसी परीक्षा में नहीं, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है व्यापम के द्वारा। रिपीट होता है भाई, रिपीट होता है यह प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विप्रलम्भ का आशय क्या है। विप्रलम्भ का आशय क्या होता है? तो विप्रलम्भ का आशय है वियोग। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि पूर्वान्ह में बाजार जाना है, ये किस तरह का वाक्य है। तो पूर्वान्ह में बाजार जाना है, यह वाक्य है कालबोधक संरचनात्मक। किस तरह का भाई? कालबोधक संरचनात्मक वाक्य है कि पूर्वान्ह में बाजार जाना है। प्रश्न है कि गोचर का विलोम शब्द निम्न में से क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो हमें से याद रखें गोचर का विलोम शब्द है भाई गोतीत। क्या है भाई? गोतीत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न को आप लगाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि तीह दुख भई परास निपाते, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो भाई इसे आप नोट कीजिएगा। अब मैंने कहा था आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, तो जो नोट्स हैं आपकी वहाँ पर आप क्या है नोट्स में इसे लिखिएगा कि तेह दुख भई परास निपाते, इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। प्रश्न है कि विष्णु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। चार प्रश्न ऑप्शन आपके समक्ष, इनमें से देखिए विष्णु शब्द का पर्यायवाची ऋषिकेश भी होता है, चक्रपाणी भी होता है, विश्वरूप भी होता है। इस तरह विकल्प डी इसका सही जवाब कि सभी के सभी विष्णु शब्द के पर्यायवाची हैं। प्रश्न है कि कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो मित्रों कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है बहुत ही बढ़िया लिखना। ओके, क्या? बहुत ही बढ़िया लिखना। अगर किसी ने बहुत बढ़िया लिखा है तो कहेंगे तुमने तो कलम ही तोड़ दी है। अगला प्रश्न है कि देशभक्ति पद में कौन सा समास है। अब आपको यहाँ पर कमेंट में जरूर करना है, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ समास विग्रह आपको कमेंट करना है कि इसका समास विग्रह क्या होगा देशभक्ति का। तो देशभक्ति में समास है तत्पुरुष। प्रश्न है कि अंतर शब्द का अर्थ इनमें से क्या नहीं है। हमेशा याद रखें अंतर शब्द का अर्थ नहीं है यहाँ पर विवाह। ओके, और अंतर अर्थात अवकाश, अंतर अर्थात भिन्न, अंतर अर्थात हृदय। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतर अर्थात हृदय। अगला प्रश्न है कि अथॉरिटी का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अथॉरिटी का हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा प्राधिकारी। क्या भाई? प्राधिकारी। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है भवदीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो भवदीय शब्द में प्रत्यय है ई। ये प्रश्न कई दफ़ा पूछा जाता है इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अधिकांशतः लोग इसमें क्या है भाई दी ज़्यादातर आंसर कर देते हैं या फिर ए आंसर कर देते हैं। अगला प्रश्न है दूधो नाहो पूतो फलो, ये किस तरह का वाक्य है। भाई दूधो नाहो पूतो फलो ये इच्छा सूचक वाक्य है, यहाँ पर इच्छा जाहिर की जाती है। प्रश्न है कि नयन में कौन सी संधि है। अब आप इसका नयन का संधि विच्छेद जरूर करेंगे, नयन का संधि विच्छेद जरूर करेंगे भाई। ओके, तो नयन में कौन सी संधि है भाई, नयन में संधि है अयादि स्वर संधियों के, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन की कृति कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हमें से याद रखें बालकृष्ण शर्मा नवीन की कृति है उर्मिला। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य पद्मावत की भाषा क्या है। हमें इसे याद रखें मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य पद्मावत की जो भाषा है वह अवधी है। कौन सी है भाई? अवधी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म कौन सा नहीं है। तो भाई इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है ओने पौने। ओके, इसके अलावा सृष्टि प्रलय आवरण अनावरण अधः ऊर्ध ये सभी विलोम शब्द युग्म हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही प्यारा है। तो इनमें शुद्ध वाक्य है मित्रों कि माली पौधों को सींच रहा है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है।
अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है, तो हमें इसे याद रखें कि इनमें शुद्ध शब्द है यथेष्ट, तो यथेष्ट को कैसे लिखा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म कौन सा नहीं है, तो ढूंढ धाड़ भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। तो दोस्तों आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह के टॉप हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए, और हमारे द्वारा अन्य विषयों के भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं।